हेलो गाइस, तो यार कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम कुछ इस तरह की अमेजिंग टाइप के आप लोगों को रील एडिटिंग सिखाएंगे, ठीक है? तो अगर आप लोग चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह रील को बनाने के लिए हमें फिर से जो है VN ऐप को ओपन करना होगा। तो मैं VN ऐप को जो है ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने जो है VN ऐप को ओपन कर लिया है। तो आप लोगों के सामने भी इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग क्या करना है, तो आप लोगों के सामने देखिए नीचे तीन चार जो है ऑप्शन है, आप लोगों को प्लस का आइकन पे क्लिक कर देना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और एक वीडियो ऐड कर लेनी है, ठीक है? ये वाली, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद फोटोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस वीडियो के अलावा आप लोग क्या करना है, नो फोटो और ऐड कर लेनी है, ठीक है? इस वीडियो के अलावा नो फोटो और ऐड कर लेनी है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैं जो है रश्मिका मंधाना जी की जो है ये फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। तो ये मैं ऐड कर लेता हूँ। नौ फ़ोटो आप लोगों को ऐड करनी है, तो मैं नौ फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं इसके बाद एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद सॉरी, जो मैंने जो ये फालतू का पार्ट डिलीट कर देना है। फिर मैंने जो है आठ फ़ोटो सेलेक्ट की थी, तो मैं एक और फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी मैं भूल गया था, ठीक है? तो नौ फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद आप लोग क्या करना है, वो म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके म्यूजिक क्लिक करना है। तो आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करना है और जो ये वाली जो रील है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके जो भी एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, आप लोग चाहें तो इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं या फिर ऐसे भी इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ओके पे क्लिक करके आप लोग इसे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैंने पहले ही कर रखी है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो ये रही जो मैंने ऑडियो एक्सट्रैक्ट किया है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने जो है बीट पहले ही लगा रखी है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बीट बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर लगानी है, ठीक है? तो अभी आप लोग क्या करना है, तो सिंपली जो है सॉन्ग पे क्लिक करना है। इस पर ये ऑडियो जो पहले तो मैं जो मैं साइज सेलेक्ट करना भूल गया था, सॉरी। तो आप लोगों को 9:16 रेशो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद ऑडियो पे क्लिक करना है, बीट्स पे क्लिक करना है। आप लोगों को देखिए बीट्स का आप लोगों को जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो वो अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि बीट्स हमारी कहाँ कहाँ पर आएगी, ठीक है? तो पहली जो बीट है हमारी, आप लोग देख पा रहे होंगे 6.4 और 5 के बीच में आएगी, ठीक है? और जो सेकंड वाली बीट है वो 6.8 या 9, 6.9 और 7 के बीच में आएगी, ठीक है? या फिर आप लोग पूरे 7 सेकेंड पर भी लगा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बीट है 8.8, पूरे 8 पॉइंट और 8.1 के बीच में आएगी, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट जो बीट है हमारी 8.5 पे आएगी, फोर्थ नंबर वाली जो बीट है। उसके बाद जो फिफ्थ वाली बीट है 9 और 9.1 के बीच में आएगी, देखिए ये 9.4 और 9.1, ठीक है? उसके बाद जो सिक्स वाली बीट है हमारी, तो वो जो हमारी आएगी 10.1 और 2 के बीच में, 10.1 और 2, ठीक है? उसके बाद हम लोग देख पा रहे होंगे 10 फिर 10.1 फिर 10.2, तो इनके बीच में लगा देनी है, ठीक है? सेवन्थ वाली जो रील है वो सॉरी बीट है हमारी, तो वो आएगी हमारी 10.7 पे आएगी, ठीक है? तो 10.7 पे लगा देनी है आप लोगों को। उसके बाद जो लास्ट बीट है हमारी, यह आएगी हमारी 11.1 और 2 के बीच में। तो वो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप लोग अच्छी तरह से ऐसे नहीं समझ पा रहे, तो मैं जो है टेलीग्राम चैनल पर बीट मार्क के जो है लगा करके स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है? तो इतना कर देने के बाद आप लोग क्या करना है, इसे डन कर देना है। डन कर देने के बाद हमें क्या करना है, तो सभी फ़ोटो को जो है इसके हिसाब से छोटा कर लेना है, बीट मार्क के हिसाब से। तो मैं फर्स्ट बीट मार्क पे ले आता हूँ और जो है फ़ोटो को इस तरह से छोटा कर लेना आप लोगों को, देखिए। तो सेकंड वाली जो फ़ोटो है इसे भी मैं इसी तरह से छोटा कर लेता हूँ। तो जो सभी फ़ोटो को जो है आप लोगों को बीट मार्क के हिसाब से छोटा कर लेना है। इससे बीट मार्क से क्या होगा, आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ज़्यादा आप लोगों को झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बीट मार्क लगाने के बाद जो है आपकी जो है फ़ोटो अच्छी तरह से छोटी या कट हो जाएगी, ठीक है? तो मैं अच्छी तरह से इन्हें छोटी कर लेता हूँ फ़ोटो को, आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए। तो हमारी जो फ़ोटो है बीट मार्क पे आ करके अपने आप रुक जाती है, देख पा रहे होंगे आप लोग, सॉरी थोड़ा आगे चलेगी, देखिए देखिए। तो ये जो तीन फ़ोटो और बाकी हैं तीन चार, तो मैं इन्हें भी कट कर देता हूँ या फिर तो मैं जो ये लास्ट वाली जो फ़ोटो है इसे भी कट कर लेता हूँ।
छोटी कर लेना आप लोगों को सभी को। तो ये लास्ट फोटो है, इसे मैं स्प्लिट कर देता हूँ या फिर छोटी कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद हम लोग क्या करना है, तो अभी हमें पहले तो मैं इसे जूम कर लेता हूँ, देखिए इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना है, एफ़ेक्ट्स पे क्लिक करना है आप लोगों को। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आएंगे, आप लोग चाहें तो कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो इसमें जूम इन वाला लगा देता हूँ। चाहे तो आप लोग इसमें जो है ये वाला भी लगा सकते हैं, ये इक्विपमेंट वाला की क्या है, ये दिख नहीं रहा है, सॉरी गाइस। तो जूम इन वाला जो है आप लोगों को इसमें लगा देना है। तो अप्लाई टू ऑल कर देना आप लोगों को, ठीक है। अप्लाई टू ऑल करेंगे आप लोग जो है फर्स्ट वाली जो वीडियो इसमें भी लग जाएगा। तो इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, नॉन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डन कर देना है। तो इससे इफेक्ट हट जाएगा और बाकी जब फोटो में लग जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। तो मैं आप लोगों को इसे प्ले करके दिखा दूँगा, और ऑडियो जो है आप लोगों को सुनाई नहीं देगी ताकि कॉपीराइट ना आए। तो आप लोग देख सकते हैं तो हमारी वीडियो कैसी बनी है, देखिए बिल्कुल बीट के हिसाब से जो हमारी वीडियो मैच हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसके बाद आप लोगों को इसे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाके एक्सपोर्ट कर लेना है। Around, I've been right now. I ain't trying to tell you what to do.